हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। आप यदि चाहते हैं कि आपके भी गार्डन में कलांचो फ्लावर प्लांट सालों साल चलते रहे और अच्छे से विंटर आने पर फ्लावरिंग करते रहे, तो मार्च का महीना चल रहा है, अभी बेस्ट टाइम है। आप इन पांच टॉप सीक्रेट टिप्स जो मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी उसको फॉलो कीजिएगा। आपके भी गार्डन में कलांचो के फ्लावर प्लांट इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। और मेरे पास ढेरों कलांचो के फ्लावर प्लांट हो गए हैं और सारे ही हेल्दी चल रहे हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो आइए मैं पांच टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले, अभी बहुत अच्छा टाइम है कटिंग्स लगाने का। यदि आपके पास कलांचो के फ्लावर प्लांट है तो आप कटिंग्स को लगाइए और छोटी सी छोटी कटिंग को लगाइए। कटिंग्स सैंड में बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं, लेकिन उस पर आपको मॉइस्चर बनाकर रखना होगा, इसलिए अच्छा है कि आप कटिंग्स को मिट्टी में ही लगाएं। और कटिंग्स लगाने की बहुत सारी वीडियो है, मैंने अपने वीडियो में बताया है, उसको फॉलो कीजिएगा। दूसरा, अभी कोई भी प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो वीड्स की भी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो आपके जो कलांचो के फ्लावर प्लांट है उसमें वीड्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ते रहेंगे, तो आप जितना जल्दी हो सके वो सारे वीड्स को हटा दीजिए। और वीड्स के कारण, कलांचो एक सकुलेंट प्लांट है, वीड्स के कारण उसके नीचे मॉइस्चर जमा होती है और मॉइस्चर जमा होने के कारण फंगस लगता है और फंगस के कारण ये जो प्लांट है ये बहुत ही जल्दी नीचे से गलने लगता है। यदि आप वीड्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो रूट बॉल को बिना हिलाए इस तरह से आप पूरी मिट्टी को निकाल दीजिए और वीड्स को हटा दीजिए। कुछ ज़रूरी पौधे हैं तो उसे भी हटा दीजिए और फिर आप कलांचो के पॉट में फिर से कलांचो प्लांट को लगा दीजिए। और अच्छा सा एक फर्टिलाइज़र मैं शेयर करूँगी, उस पर भी ध्यान दीजिएगा आप। तो ये ढेर सारे कटिंग्स हैं। सारे कटिंग्स को आप जिस टाइप की कटिंग्स की साइज है उसके अनुसार उसे पॉट दे दें। उसके बाद नेक्स्ट जो ज़रूरी चीज़ है, यदि कलांचो के फ्लावर प्लांट के फ्लावर सूख गए हैं तो उसे आप ज़रूर कट कर दें। ऐसा करने से आपके जो प्लांट है वो हेल्दी होंगे और यदि प्लांट की रूट हेल्दी होगी तो पौधे बहुत दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। और सूखे गले पत्ते को भी निकालना ना भूलें। कलांचो प्लांट का दुश्मन होता है वाटर। और इसकी मिट्टी ऊपर से हमेशा सूखी हुई नज़र आनी चाहिए, कभी भी भीगी हुई मिट्टी नज़र नहीं आनी चाहिए, अंदर भले ही मॉइस्चर रहना चाहिए। आप यदि कलांचो फ्लावर प्लांट को सालों साल बचाना चाहते हैं तो ओवर वाटरिंग से इसे बचाए और पुरानी मिट्टी में ही, बहुत अच्छा मैं आज एक फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, उसे मिलाकर आप कलांचो फ्लावर प्लांट की कटिंग को लगाते जाएं। वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए, आप गार्डन की मिट्टी लीजिए, अगर उसमें सैंड मिला हुआ है तो कोकोपीट मत मिलाइए। और अंडे का छिलका जो कैल्शियम से रिच होता है उसे आप पाउडर बना लीजिए और इस तरह से मिट्टी में मिलाइए। उसके बाद कोई भी फंजीसाइड ज़रूर मिलाएं, आपके पास नहीं है तो आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट आप इसमें ज़रूर डालें। इस मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लीजिए
और कलांचो फ्लावर प्लांट की कटिंग भी इसमें लगा सकते हैं और आप इसमें इसको अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं। सारे कटिंग्स को आप छोटे छोटे पॉट में लगा दीजिए और कटिंग्स लगाने के लिए इम्पॉर्टेंट बात है पत्तों से मिट्टी को दूर रखें, मतलब मिट्टी और पत्ते की जो हाइट होगी वो कम से कम 1 इंच ऊपर होना चाहिए। कलांचो फ्लावर प्लांट की जो हाइट होती है 18-20 इंच तक होती है, उससे ज़्यादा इस पौधे की हाइट नहीं होती है, तो आप कोशिश करें छोटे छोटे पॉट में ही ये प्लांट को लगाएं और ये छोटे पॉट में भी भर भर कर फ्लावरिंग करता है। यदि आप अच्छी सी मिट्टी बनाते हो, फर्टिलाइज़र रिच मिट्टी बनाइए और इस पौधे को आप लगाइए। किसी प्लांट में यदि फ्लावरिंग हो रही है, जैसा कि अभी बसंत ऋतु है और फूलों का सीज़न ही है, तो आप उनमें फर्टिलाइज़र मिली हुई मिट्टी थोड़ी थोड़ी डाल दें ताकि जितनी भी कलियां हैं वो भी खिल जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि अभी गर्मियां आने वाली हैं, तो जितने भी आपके पास कलांचों के फ्लावर प्लांट है सबको जितना जल्दी हो सके सेडी जगह में रख दें और छाया वाली जगह में ये अच्छे से सालों साल चल जाते हैं। ऊपर छज्जा हो इस टाइप की जगह में आप सभी प्लांट को लाकर रख दें। इस तरह देखिए, मैंने आज सभी कलांचो प्लांट की केयर को किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो भी आपको बता देती हूँ, जितने भी कटिंग्स ऊपर से हटाए हैं, फूलों को काटे हैं, तो सभी में आपने कट लगाया है और उस कट से बहुत ही जल्दी फंगस का अटैक हो जाता है कलांचों के फ्लावर प्लांट में। तो ये सारे देखिए मैंने ठीक से लगाकर सेडी जगह में रख दिया है। अब आइए इसमें क्या करना है वो भी बता देती हूँ आपको। आपको लेना है पानी और उसमें या तो आप हल्दी लीजिए या फिर कोई भी फंजीसाइड लीजिए और अच्छे से सारे प्लांट को फंजीसाइड वाले वाटर से नहला दीजिए और कलांचो फ्लावर प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो मैंने आपके साथ लास्ट में शेयर कर रही हूँ। ये जो काम है ये कलांचो फ्लावर प्लांट में आपको हर वीक ही करना पड़ता है। तो इस तरह से आप यदि कलांचो फ्लावर प्लांट की केयर करेंगे तो महंगे मिलने वाले फ्लावर प्लांट आपको कभी भी खरीदना नहीं पड़ेगा और सालों साल चलते रहेंगे। आप गौर करेंगे मेरे पास ज़्यादा कलर के कलांचो फ्लावर प्लांट नहीं है, क्योंकि जो है उसकी ही कटिंग मैं लगाती रहती हूँ। देसी हो, हाइब्रिड हो, वेरीगेटेड हो, सारे मेरे पास है और मैं पर्सनली इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और इसके फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक बार फूल आ जाते हैं तो महीनों तक पौधे में टिके हुए रहते हैं, ये भी बेनिफिट है। तो इस तरह से आप भी अपने कलांचो फ्लावर प्लांट की केयर कीजिए और सालों साल इसी तरह ढेरों प्लांट बनाइए जिस तरह मैंने बनाकर रखा है। मेरे पास 2 प्लांट थे, आज मेरे पास कम से कम 200 प्लांट हो गए हैं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू।